प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो सबसे पहले यही जान लीजिए कि मानव नेत्र होता क्या है। देखिए, एक डायग्राम करेंगे हम इसका। मानव के अंदर उत्तल लेंस होता है, तो पहले आप कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कीजिए। सिंपल, ये लेंस आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था, जब हमने आपको लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ाया था। तो इसके अंदर कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस। क्लियर? अब मानव नेत्र में यानी ह्यूमन आई के अंदर जहां से लाइट एंटर करती है, इस भाग को हम कहते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। तो ये मैं आप इसको ड्रॉ करता हूं एक बार। ये देखिए आप इसको, ये है कॉर्निया। मैं इसको डबल लेयर कर देता हूं। देखिए, लाइट कहां से एंटर करती है? इस हिस्से से। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। देखिए, नाम सेम ही रहेंगे लगभग। और ये लेंस है, लेंस के दोनों तरफ जो मसल्स होती है, मांसपेशियां होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सिलेरी मसल्स। देखिए, जब तक आपको आई का डायग्राम नहीं आएगा ना, तब तक आपको बहुत सारी बातें पता ही नहीं चलेंगी कि हमारी आंख से हम देखते कैसे हैं, इमेज कैसे बनते हैं, दूर का रोग क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। ये सारी बातें तब पता चलेंगी जब आपको ह्यूमन आई का डायग्राम आएगा। तो इसे हम बोलते हैं सिलेरी मसल्स, पक्षमापी मांसपेशियां। क्लियर है बात यहां से? पक्षमापी मांसपेशियां, सिलेरी मसल्स। तो देखिए, ये जो हिस्सा है जो आपको व्हाइट कलर का दिखता है ना आई के अंदर, जिसको जब आई ट्रांसप्लांट करते हैं तो क्या चीज ट्रांसप्लांट की जाती है? जिस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता उसको, जो डोनर है आई का, जो आंख को दान कर रहा है, वो क्या चीज दान करता है? वो है कॉर्निया। क्लियर है बात यहां पे? क्लियर होगी बात? अब ये मांसपेशियां है पक्षमापी मांसपेशियां, जो लेंस के दोनों तरफ है। लेंस, देखिए, लेंस हमारे में उत्तल लेंस होता है और कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कैसे इमेज बनाते हैं? रियल एंड इन्वर्टेड, यानी जैसे मैं पेन को देख रहा हूं तो हमारी आंख के अंदर ये ऐसा दिखना चाहिए, क्योंकि लेंस कौन सा है? कन्वेक्स। लेकिन होता क्या है, किसी भी वस्तु का जो इमेज है, प्रतिबिंब है, आंख के इस हिस्से में बनता है। इस हिस्से को हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। तो रेटिना से तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल, दृष्टि तंत्रिका होती है, नर्व सेल जिसको हम बोलते हैं, तो नर्व सेल क्या करती है? इस संदेश को, जो चीज आपको रेटिना पे दिखाई दी, उसको लेकर के जाती है मस्तिष्क के पास, और फिर मस्तिष्क उसको सीधा करके दिखाता है। क्लियर है बात यहां पर? कि आपको जो चीज दिखती है वो उल्टी दिखती है। सीधी क्यों दिखती है? क्योंकि यहां से तंत्रिका कोशिका संदेश को मस्तिष्क तक लेकर जाती है और फिर ब्रेन उसको सीधा करके दिखाता है। इज इट क्लियर? तो देखिए, यहां से ये मसल्स का काम मैं आपको बताना बाकी रह गया कि सिलेरी मसल्स का क्या काम है, पक्षमाभी मांसपेशियां क्या करती हैं। प्यारे दोस्तों, मेरे पास ये पेन है, मार्कर। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं सिंपल सा। ये मार्कर को मैं आंख के नजदीक ला रहा हूं, ये देखिए इस प्रकार से। तो जब मैं बहुत नजदीक ले आता हूं तो मुझे इसके ऊपर लिखे गए वर्ड्स दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को आंख के पास लाते हैं तो ये मसल्स लेंस को प्रेस करती हैं और लेंस का आकार भी गोलाकार हो जाता है। अभी यहां पर हम देख सकते हैं कि लेंस का आकार कन्वेक्स लेंस टाइप में है, लेकिन ये मांसपेशियों के लगातार प्रेशर डालने के कारण इसका आकार गोलाकार हो जाता है। क्लियर? क्योंकि ताकि हम उस चीज को देख पाए, यानी इनका काम है फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, आंख की फोकस दूरी को समायोजित करना इनका काम है। जब फोकस दूरी को एडजस्ट करती हैं तो ये कोशिश करती हैं कि नजदीक से भी दिख पाए, लेकिन जब बहुत ज्यादा नजदीक हम किसी वस्तु को ले आते हैं तब इसलिए दिखाई नहीं देता, क्योंकि जितना कंप्रेस इन मांसपेशियों को करना होता है लेंस को, उतना ये कर चुकी होती हैं और उससे ज्यादा ये नहीं कर पाती, इसलिए दिखाई नहीं देता। क्लियर है ना बात यहां पर? तो इनका काम क्या है, पक्षमाभी मांसपेशियों का? लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करना। देखिए, जो जो चीज हम पढ़ रहे हैं साथ साथ आप लिखते भी जाइए। कॉर्निया का काम क्या है? इसमें से आंख के अंदर जो लाइट है वो एंटर करती है, प्रकाश आंख के अंदर जहां से प्रवेश करता है वो है कॉर्निया।
लेंस का काम क्या है? उत्तल लेंस होता है तो ये प्रत्येक वस्तु को वास्तविक और उल्टा करके दिखाता है। पर रेटिना का काम क्या है? आई के अंदर हर एक इमेज यानी प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बनता है। कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक। सीधा कौन करके दिखाता है? दृष्टि तंत्रिका। तो इसका काम क्या है? यह रेटिना पर बने हुए संदेश को, मैसेज को ट्रांसमिट टू द ब्रेन, मस्तिष्क तक लेकर के जाती है और फिर मस्तिष्क उसे उल्टे इमेज को कैसा करके दिखाता है? सीधा करके दिखाता है। तो यह काम है दृष्टि तंत्रिका का। क्लियर है बात यहां पर? अब आगे आ जाइए। लेंस के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं प्यूपिल यानी पुतली, पुतली प्यूपिल। क्लियर है प्यारे बच्चों? और प्यूपिल को एक रेगुलेट करती है, यहां पर दो मांसपेशियां होती है, एक यहां पर और एक यहां पर, इसको हम बोलते हैं आयरिस। अब इन दोनों के बारे में समझिए कि पुतली यानी प्यूपिल का काम क्या है और आयरिस का काम क्या है। मैं आपको समझाता हूं। मेरी आई दिख रही है आपको? तो आई के अंदर जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ब्लैक कलर का, वो है आयरिस। क्या है प्यारे बच्चों? आयरिस। देखिए ह्यूमन आई है ये, इसमें आपको ब्लैक कलर का जो दिखता है वो है आयरिस। क्लियर? और इसके अंदर एक और चीज आपको दिख रही है गोलाकार, वो है पुतली यानी प्यूपिल। अब देखिए होता क्या है, पुतली का काम क्या है, ये अंधेरे में तो फैल जाती है, अंधेरे में इसका आकार इतना बड़ा दिखेगा आपको और प्रकाश में इसका आकार आपको बिल्कुल छोटा दिखेगा। अब ये क्या है? देखिए अंधेरे में इसलिए फैल जाती है ताकि आप अंधेरे के अंदर भी वस्तुओं को देख पाएं। क्लियर है? और प्रकाश में इसलिए सिकुड़ जाती है क्योंकि अधिक प्रकाश में भी हम वस्तुओं को नहीं देख पाते। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम एकदम से तीव्र प्रकाश में निकलते हैं तो कुछ देर के लिए आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ देर बाद दिखना लग जाता है। कारण क्या है? कि प्यूपिल जो है वो सिकुड़ जाती है। क्लियर है बात यहां पर? तो इसको सिकुड़ने और फैलाने का कार्य आयरिस का है। तो आयरिस का काम क्या लिखोगे? यह पुतली को सिकोड़ने और फैलाने का कार्य करती है। तो यहां से हमारे सारे फैक्ट क्लियर हो गए। आयरिस क्या है, रेटिना क्या है, दृष्टि तंत्रिका, लेंस, कॉर्निया, पुतली, सिलरी मसल्स। तो ये मानव नेत्र के बारे में जितनी बातें आपको पता होनी चाहिए थी वो आपको पता लग गई। इनके अंदर लिक्विड भी होता है, कोरोइड। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके बारे में हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। आंख के बारे में जितना आपको बताना था वो बताया जा चुका है। अब अगले टॉपिक की ओर हम चलते हैं। अब हम करेंगे दृष्टि दोष यानी कि आई डिफेक्ट्स, आई डिफेक्ट्स, दृष्टि दोष, आई डिफेक्ट्स यानी दृष्टि दोष। अब एक एक करके ले लेते हैं हम सभी को। सबसे पहले हम लेते हैं फार साइटेडनेस, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। और दूसरा कौन सा होता है प्यारे बच्चों? नियर साइटेडनेस। निकट दृष्टि दोष। और तीसरा कर लेते हैं हम प्रेस बायोपिया, जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। अब देखिए पहले हम बात करते हैं दूर दृष्टि दोष। ध्यान से सुन लेना कि जब किसी भी व्यक्ति को दूर की चीजें तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की साफ दिखाई नहीं देती। बच्चे यहीं पे तो गलती करते हैं, वो दूर दृष्टि दोष को देखते ही समझ जाते हैं कि जी दूर का नहीं दिखता, क्योंकि नाम है दूर दृष्टि दोष यानी दूर का दोष है। नहीं, आप इसको समझिए कि दूर का तो साफ दिखाई देता है, नजदीक का नहीं दिखता। होता क्या है कि इसमें जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वहां का जो चित्र मैंने आपको बताया था रेटिना में बनता ना इमेज यहां पर, तो इनके अंदर जो प्रतिबिंब है रेटिना के भी आगे जाके बनता है प्रतिबिंब। तो इसी कारण से इनको दूर का नहीं दिखता और नजदीक का दिखता है, और इनको ठीक करने के लिए लगाया जाता है उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। समझ में आ गया बच्चों? अब नियर साइटेडनेस, नजदीक का साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का साफ दिखाई नहीं देता, और इसके अंदर जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बनता है और इसके लिए लगाया जाता है प्यारे बच्चों कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। क्लियर?
अब है प्रेस बायोपिया, यानी ऐसे व्यक्ति जो उम्र के साथ जिनकी जो पक्षमाभी मांसपेशियां हैं लेंस की वो धीरे धीरे काम करना कम कर देती हैं। ऐसी स्थिति में उनको न नजदीक का दिखाई देता है और न ही दूर का, क्लियर है ना। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें बाईफोकल लेंस यानी कि नजदीक का भी और दूर का दोनों लेंस एक साथ लगते हैं। ऊपर वाले हिस्से से वो दूर का देखते हैं, जैसे ये लेंस है आंख के जो दोनों तरफ लगता है प्यारे बच्चों, ऊपर की तरफ लगता है दूर का देखने के लिए, और इसी लेंस के अंदर इसी फ्रेम में नीचे की तरफ लगता है नजदीक का देखने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति दोनों देख पाते हैं, यानी नजदीक का भी और दूर का भी। तो इस कंडीशन में बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्सन यानी विक्षेपण। लेकिन इससे पहले दो तीन बातें और आंख के बारे में। एक तो ये बताइए कि आंख की पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी समंजन क्षमता कितनी होती है प्यारे बच्चों, बताओ समंजन क्षमता, और ये है क्या चीज बताइए। देखिए हमारी आंख ना जितनी दूरी तक किसी वस्तु को साफ देख सकती है उसे हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो 25 सेंटीमीटर तक हम किसी भी वस्तु को साफ देख सकते हैं, उससे नजदीक लाने पर भी उतनी क्लियर नहीं दिखेगी और उससे दूर जाने पर भी। तो अगर 25 सेंटीमीटर से आपको सही दिख रहा है तो आपकी आंखें ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, क्लियर है ना बात। यहां पे एक चीज होती है कैटरेक्ट, मोतियाबिंद क्या होता है बताओ, इसके बारे में बताइए मोतियाबिंद। देखिए कई बार हमारे लेंस है ना जो वो दूधिया हो जाता है जिसके कारण हमें साफ दिखाई नहीं देता, तो डॉक्टर क्या करते हैं ऑपरेशन से उसकी आई के जो लेंस की ऊपर वाली परत है उसको उतार देते हैं, इसे हम बोलते हैं कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद। तो अब हम करने जा रहे हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश है ना वो सात रंगों से बना हुआ है, ये आप सभी को मालूम है। तो जब प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वो सातों रंग अलग अलग हो जाते हैं। सबसे नीचे जो है वो वायलेट कलर होता है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और रेड, यानी विबग्योर। आप एक टर्म याद कीजिएगा विबग्योर, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये होता क्यों है, ये होता है रिफ्रैक्शन के कारण। देखिए जब प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो दो जगह इसका रिफ्रैक्शन होता है, इसे हम बोलते हैं डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं डिस्पर्सन। जो लाल है ना लाल रंग वो सबसे कम उड़ रहा है, देखिए यहां पर वो सबसे कम डेविएट हो रहा है, क्लियर है ना। और जो वायलेट है वो देखो सबसे ज्यादा मुड़ रहा है, कारण लाल रंग का जो वेवलेंथ है तरंग धैर्य बोलते हैं हम हिंदी में इसको, तरंग धैर्य वो सबसे ज्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा हो ना वो कम उड़ेगा। और वायलेट है इसकी वेवलेंथ जो तरंग धैर्य वो कम होती है, और जिसकी तरंग धैर्य कम होगी ना वो ज्यादा उड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों वेवलेंथ क्या है और इसका क्या असर पड़ता है डिस्पर्सन पर, क्लियर है ना। तो सबसे कम डेविएट होता है रेड कलर, और सबसे ज्यादा जो मुड़ता है विचलन होता है जिसमें वो है वायलेट कलर, क्लियर है बात यहां पर। तो प्यारे बच्चों इसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में है ज्यादातर इसी से बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेनबो इंद्रधनुष कैसे बनता है, हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड। आप देखिए इसका आंसर भी इसी में छुपा हुआ है, क्योंकि जब बारिश के पश्चात छोटी छोटी बूंदें वायुमंडल में रह जाती हैं वो भी एक प्रिज्म की तरह कार्य करती है। देखिए वो भी एक किसकी तरह काम करती है, प्रिज्म की तरह, और इनमें भी जब प्रकाश गुजरता है तो वो सात रंगों में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, विभाजित हो जाता है। सात रंगों में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, विभाजित हो जाता है, क्लियर है ना बात। यहां पर इसके भी सात कलर बन जाते हैं जैसे इसके बने, तो इसी कारण हमें वो सातों कलर वायुमंडल में दिखाई देते हैं। तो आंसर क्या लिखना है, विक्षेपण के कारण जो वायुमंडल में बारिश की छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो विभाजित हो जाती हैं, जिस कारण से हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, क्लियर है बात यहां पर। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आ गया कि खतरे के निशान लाल क्यों होते हैं, व्हाई डेंजर सिग्नल आर रेड, डेंजर सिग्नल आर रेड, खतरे के निशान लाल क्यों होते हैं, वो भी आंसर वही लिखना है कि लाल रंग की तरंग धैर्य वेवलेंथ क्या होती है, अधिक होती है, इस कारण से इसका स्कैटरिंग कम होता है। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग को क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में, परकीर्णन, कि लाल रंग की वेवलेंथ
यानी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, इस कारण इसका स्कैटरिंग प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए यह दूर तक दिख जाता है, यहां तक कि आंधी तूफान बरसात कैसा भी मौसम हो लाल रंग हमें दूर से दिख जाता है, इसलिए खतरे के निशान लाल होते हैं। क्लियर। सुबह के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है, यही रीजन, क्योंकि सुबह के समय सूर्य हमसे सबसे दूर होता है और जो लाल इसलिए दिखता है क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, इसका प्रकीर्णन कम होता है और इसलिए यह दूर से भी दिख जाता है। अगला क्वेश्चन, आकाश नीला क्यों दिखता है, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, वही आंसर कि जो नीला कलर है वायलेट इंडिगो ब्लू, इनकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है तरंग दैर्ध्य, इस कारण से इनका जो प्रकीर्णन है स्कैटरिंग है वो ज्यादा होती है और पूरे आकाश में नीला रंग फैल जाता है, इसी कारण हमें आकाश नीला दिखता है। क्लियर है ना बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म कर लेते हैं हम। ये तो थे सारे क्वेश्चन स्कैटरिंग के, प्रकीर्णन के, ये सारी चीजें प्रकीर्णन के कारण होती हैं, आकाश का नीला दिखना स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रकीर्णन, खतरे के निशान लाल दिखना ये भी प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और सूर्य का सुबह के समय लाल दिखना वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है ना बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं, व्हाई स्टार ट्विंकल, तारे चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं जबकि ग्रह नहीं दिखते, टिमटिमाते हुए ऐसे ऐसे करते हुए। देखिए जब प्रकाश आता है ना अलग अलग माध्यम में से, कभी हवा कहां पे डेंस है, कहां पर हल्की है, कहीं पे भारी है, कहीं पे हल्की है, तो प्रकाश बहुत दूर से आ रहा है, तारों का प्रकाश बहुत दूर से आ रहा है, तो अलग अलग माध्यम में से होता हुआ आता है, तो जब अलग अलग माध्यम में से होता आता है तो इसमें क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, तो अपवर्तन के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर है बात यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव क्या है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव क्या है। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कमरे में हमारे कोई छोटा सा सुराख हो ना और उसमें से प्रकाश आता हो तो उस छोटे से सुराख में से भी जब प्रकाश आ रहा होता है तो हमें प्रकाश के साथ छोटे छोटे धूल के कण भी दिखाई देते हैं, इसे हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव, कि जब भी किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में से, इसे हम बोलते हैं कोलाइडल, छोटे छोटे कण होते हैं ना वो होता है कोलाइडल विलयन, कोलाइडल, तो कोलाइडल विलयन में से जब प्रकाश गुजरता है तो वो हमें फैला हुआ दिखाई देता है और उसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, टिंडल प्रभाव। क्लियर है बात यहां पर। अच्छा, पेंसिल का जो सिक्का है वो पानी के अंदर मुड़ा हुआ क्यों दिखता है, उसका भी रीजन ये लिखना है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। गिलास के अंदर हम अगर एक रुपए का सिक्का डाल दें तो वो उठा हुआ क्यों दिखता है, तो वो भी यही रीजन लिखना है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो यहां पर हमारे इस चैप्टर के रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए और वो भी बहुत कम समय में। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार आप घर पे पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, कोरोना को हराइए, जल्दी मिलते हैं स्कूल में, बहुत जल्दी कोरोना भागने वाला है। थैंक यू वेरी मच।